हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर को, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आपको लेटर राइटिंग अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि मैम लेटर राइटिंग पर वीडियो बनाइए, लेटर राइटिंग को कैसे लिखा जाए अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लेटर राइटिंग आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, तो कैसे लिखें आप अपने बोर्ड एग्जाम में कि 10 में 10 प्राप्त कर सके, तो सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। यदि हमारे बताए गए तरीके से आप लेटर राइटिंग लिखते हैं तो आपको 10 में 10 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत ही सही पैटर्न हम आपको बताने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप लोग लेटर लिखने का सही पैटर्न जान पाएं और अपने बोर्ड एग्जाम में 10 में 10 मार्क्स अचीव कर पाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप ही का फायदा होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है। अब आपको इसे कैसे लिखना है सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है राइट अ लेटर यानी कि एक पत्र लिखिए टू द एडिटर यानी कि संपादक को ऑफ अ न्यूज़पेपर यानी कि किसी समाचार पत्र के अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया यानी कि अपने क्षेत्र में प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने क्षेत्र में प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को जो है पत्र लिखिए। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में हम जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं कि आपको लेटर लिखना कैसे है। तो बहुत ही सही पैटर्न मैंने यहाँ पे बताया है, बस यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है आपको लेटर में लिखना क्या है, वो आपको एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ का आप एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है आनंद नगर डाल रखा है, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना भी एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अपना एड्रेस नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो एड्रेस मैंने बताया है ये एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एड्रेस लिखें तो एड्रेस जो है आपकी 2 से 3 लाइन में ही कवर हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश आप करें कि 2 लाइन में ही जो है आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाए, उससे ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालना है। तो डेट जो है आपको इसी प्रकार से डालना है जैसे मैंने डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आज का डेट डाल रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट डाल सकते हैं। जिस दिन आपका पेपर रहेगा उस दिन का भी आप डेट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेट डालने का जो तरीका है यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सही तरीका है, ऐसे ही आपको डेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है द एडिटर, यानी कि आप संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको द एडिटर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी न्यूज़पेपर का नाम डाल देना है, जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स डाल रखा है, लेकिन आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अमर उजाला भी डाल सकते हैं, आप दैनिक जागरण भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किसी भी पेपर का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी सिटी का नाम डालना है, यानी कि जहाँ पर भी वो न्यूज़पेपर बनता हो। तो मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल रखा है, अधिकतम पेपर जो है वो दिल्ली में ही बनते हैं, तो यहाँ पे मैंने न्यू दिल्ली डाल रखा है। स्टूडेंट्स अगर आपको लिखने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वैसे ही आप सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट में आपको ये लिखना होता है कि आप किस सब्जेक्ट पे यानी कि किस विषय पे पत्र को लिख रहे हैं, यानी कि आपको क्या समस्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप प्रश्न में देख सकते हैं, प्रश्न में बोला गया है कि पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया, यानी कि
अपने क्षेत्र में प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में आपको पत्र लिखना है, तो यहाँ पे आप यहाँ से उठा करके आप यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रदूषित जल आपूर्ति की समस्या है, तो हम यहाँ पर यहाँ से उठा करके यहाँ तक हम सब्जेक्ट में लिख देंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। तो यहाँ पे लिख देना है द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, यानी कि प्रदूषित जल आपूर्ति, यानी कि जल क्या है, जल जो है प्रदूषित है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है, ये बॉडी लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत ही इजी वर्ड का मैंने प्रयोग किया है, आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इजी वर्ड आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग इसे आसानी से याद कर सकें। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप लोग बहुत ही आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे आप मैम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, ये कॉमा लगाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे, उसके जस्ट नीचे से ही आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ आनंद नगर न्यू दिल्ली, यानी कि मैं आनंद नगर का निवासी हूँ, यानी कि मैं आनंद नगर नई दिल्ली का रहने वाला हूँ, या फिर आनंद नगर नई दिल्ली का निवासी हूँ। आगे ध्यान दीजिए, आई एम राइटिंग टू अ लेटर, यानी कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, टू शो यू प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको समस्या दिखाने के लिए, अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर एरिया, यानी कि हमारे क्षेत्र में प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं आपको हमारे क्षेत्र में प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में समस्या दिखाने के लिए एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हुए चलिए। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि हम एक कठिन परिस्थिति में है, हम एक कठिन समस्या में है, एक कठिन परिस्थिति में है। क्या कहा जा रहा है, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि हम एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में है। ध्यान दीजिए, पीपल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्ट, यानी कि लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी कि लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है पीपल हैज टू फेस, यानी कि लोगों को सामना करना पड़ता है मैनी डिफिकल्ट, यानी कि बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी समस्याओं का, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, ड्यू टू द पोल्यूटेड ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि जल आपूर्ति प्रदूषित होने के कारण। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल आपूर्ति प्रदूषित होने के कारण लोगों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है यहाँ पे समाप्त हुई है, तो मैंने यहाँ पे न्यू लाइन से लिखना स्टार्ट किया है। अगर आपकी ये जो लाइन है यहाँ से कहीं समाप्त होती है, तो आपको उसी के नीचे से लिखना स्टार्ट करना है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान दीजिए, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप प्रकाशित करें हिज थिंग इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि इस बात को अपने अखबार में, सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, यानी कि ताकि जल आपूर्ति विभाग कोई कार्रवाई कर सके। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप प्रकाशित करें इस बात को अपने अखबार में, सो ताकि जल आपूर्ति विभाग कोई कार्रवाई कर सके। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को अपने अखबार में प्रकाशित करें ताकि जल आपूर्ति विभाग कोई कार्रवाई कर सके। तो यहाँ पे आपको इतना लिखना है और ज्यादा नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो यहाँ पे आपको इतना लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है थैंक यू सो मच, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं थैंक यू भी बस लिख सकते हैं, या फिर थैंक यू सो मच भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है योर फेथफुली, यानी कि आपका विश्वासी। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल देना है, तो नाम अपना आप नहीं डालेंगे, यहाँ पे आप एक्स वाई जेड डाल देंगे, ठीक है। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अपना नाम नहीं ऐड करके आएंगे, अपना नाम नहीं डालेंगे, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड डाल देंगे। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है लेटर राइटिंग। इसी प्रकार से आपको लिखना है, बहुत ही शानदार तरीका है। यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लेटर जो है सब कुछ लेफ्ट में ही लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक भी चीजों को मैंने राइट में नहीं लिखा है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, यही सही पैटर्न है लेटर लिखने का। तो यहाँ पे एक बार हम पुनः रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालना है, ठीक है। उसके
उसके बाद यहाँ पे आपको एडिटर लिखना है, द एडिटर। उसके बाद आपको किसी भी न्यूज़पेपर का नाम डाल देना है, मैंने हिंदुस्तान डाला है। जरूरी नहीं है आप यही डालें, आप ये भी डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अलावा कोई भी न्यूज़पेपर का नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी का नाम डालना है जहाँ भी वो न्यूज़पेपर बनता होगा, ठीक है। आप ये भी डाल सकते हैं, न्यू दिल्ली भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में लिख देना है, ठीक है, जो भी समस्या है तो उस समस्या को आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बताया है बॉडी में आप लोग ये सब लिख देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, आप लोग इसे बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, लेटर मैंने लिखा है बिल्कुल स्ट्रेट में लिखा है, बिल्कुल इधर उधर करके नहीं लिखा है। तो ये बहुत ही जरूरी है, मैं आपको हर एक वीडियो में ये बताने का प्रयास करती हूँ, जब भी कोई लेटर लेकर के आती हूँ तो आपको ये जरूर मैं बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट में ही लिखेंगे, बिल्कुल इधर उधर नहीं लिखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको लेटर लिखना है। तो यदि आप इस प्रकार से लेटर लिखते हैं तो आपको 10 में 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लेटर को लिखना है। तो यही था आपका लेटर लिखने का सही पैटर्न, इसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से, कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो आप लोग हमें नीचे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।